क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। मैंने पहले बताया भाई पिछले सवालों में, बुक कीपिंग जो है वो बेसिक लेवल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग जो है वो हाई लेवल के काम होते हैं, सही। तो छोटा जो होता है गैराज में वो बुक कीपर होता है, और उस्ताद जो होता है वो होता है अकाउंटेंट। अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, कौन सी बात सही है। अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म पीरियोडिकली रादर देन डेली, बात सही है। अकाउंटेंट जो है वो पीरियड वाइज काम करता है, मतलब रोज़ हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, रोज़ बैलेंस शीट नहीं बनाते, कभी कभार बनाते हैं मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या ईयर एंड पे। तो जो अकाउंटेंट का काम होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन रोज़ रूटीन में काम नहीं करता। लेकिन बुक कीपर का काम बहुत रूटीन वाला होता है, डे टू डे होता है। अकाउंटिंग रिलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग रिकॉर्ड, बात सही है। अगर बुक कीपर रिकॉर्ड सही देगा तो ही अकाउंटेंट आगे सही काम कर सकता है। मिसाल ऐसी है कि भाई वो उस्ताद पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी में ऑयल है या नहीं, तो अब उस्ताद खुद नहीं चेक कर रहे हैं, वो किस पर रिलाय कर रहे हैं, छोटे पे। तो गाड़ी में ऑयल नहीं था और छोटे ने कह दिया हाँ गाड़ी में ऑयल फुल है, इसका मतलब आगे उस्ताद जो डायग्नोसिस करेंगे वो गलत हो जाएगी, सही है जी। बुक कीपिंग इन्वॉल्व द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपर अकाउंट्स बनाता नहीं है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना ये किसका काम है, अकाउंटेंट का काम है, बुक कीपर का काम नहीं है। बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग, बात बिल्कुल सही है। बुक कीपिंग किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री। तो आंसर बना 1, 2 एंड 4, तो आंसर बन गया।